मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। डिप्रेशन बन चुका है बंगाल की खाड़ी में। पहले वेलबांग लो प्रेशर एरिया था और ये 15 तारीख की सुबह डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। अब ये डिप्रेशन ही रहेगा और ये 16 तारीख की सुबह डीप डिप्रेशन बन जाएगा और ये 17 तारीख की सुबह तक डीप डिप्रेशन रह सकता है। उसके बाद ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा और ये डिप्रेशन में बदल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रैक था वो लगभग यहाँ से आया है। पहले यहाँ पर आपने देखा था कि लो प्रेशर एरिया था वो इस जगह पर था और यहाँ से वो इस तरह से गया। अब यहाँ से ये रिकर्व हो रहा है, यानी कि 16 तारीख की सुबह से ये रिकर्व होना शुरू करेगा इस तरह से। और ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर है। इन दोनों के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। तो बारिश की गतिविधि हमने देखा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी हुई है और तमिलनाडु के उत्तरी जिलों में बहुत भारी बारिश हुई है। चेन्नई वगैरह में और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश की गतिविधि देखने को मिली है। अब जो वेदर एक्टिविटी है वो आगे बढ़ने वाली है और इस समय ये जो आज सुबह का 15 तारीख की सुबह का जो पिक्चर है उसमें आप देखिए तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश में काफी तेज बारिश हो रही है, कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। अब आप ये देखिए ये आगे बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं है क्योंकि जो वेदर सिस्टम है वो ऊपर की तरफ जाने लगा है। इस तरह से ये मूव करेगा, ये इस तरह से जाके यहाँ पर मूव कर जाएगा और ये डिप्रेशन और यहाँ पर ये डीप डिप्रेशन रहेगा। तो उड़ीसा में और गंगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो रही है और ये जो बारिश है ये 24 परगना, डायमंड हार्बर, कोटई, शांति निकेतन, पुरलिया, हावड़ा और जो कलकत्ता वगैरह इन इलाकों में दिखाई दे रही है और जो भुवनेश्वर है, पुरी है, केंद्रपाड़ा, भद्रक, पारादीप, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। और जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी और झारखंड के कुछ इलाकों तक भी बारिश की गतिविधियां रह सकती है। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि 16 तारीख से जो चेन्नई और उसके आसपास यानी कि जो साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यहाँ पर बारिश कम होना शुरू हो जाएगी और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट और उड़ीसा के तट के साथ साथ गंगे पश्चिम बंगाल और जो साउथ बांग्लादेश है वहां पर बढ़ जाएगी। 16 और 17 तारीख को यानी कि 16 तारीख की शाम से लेकर के 17 तारीख की सुबह तक जो मूसलाधार बारिश है वो गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर होगी और हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती है इन इलाकों में। और जो समुद्र के अंदर और थोड़ा सा अंदर की तरफ जब जाएंगे तो वहां पर 70 किलोमीटर तक की रफ्तार की हवाएं दिखाई देंगी आपको। लेकिन जो कोस्टल एरियाज हैं गंगे पश्चिम बंगाल के और उड़ीसा के ज्यादातर इलाके और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं और जो हवाएं हैं तेज हो सकती हैं, मूसलाधार बारिश हो सकती है, तो खतरा काफी ज्यादा बना हुआ है। तो मछुआरों को सलाह दी जाती है कि कम से कम 17 तारीख की दोपहर तक वो समुद्र में ना जाए, उसके बाद जब स्थिति में सुधार होने लग जाए तब वो जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये डीप डिप्रेशन तक ही बनेगा और उसके बाद ये धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। तो इसका जो इंटेंसिफिकेशन है जो साइक्लोन जो मिदली के रूप में बनने की संभावना दिखाई दे रही थी वो लगभग हट चुकी है। तो ये क्या होगा कि जब यहाँ पर ये डीप डिप्रेशन इस जगह पर जब जाएगा तो आप देखेंगे ये हवाएं जो आप देखिए इधर से आ रही है ये अंदर से आ रही है, यानी कि इनलैंड विंड है जो ड्राई होती है। जब ड्राई विंड इसके अंदर आने लग जाती है तो ये कमजोर होने लग जाता है और जैसे जैसे ये कोस्ट के पास आएगा तो वर्टिकल विंड शेयर भी बढ़ता जाएगा और समुद्री सतह के तापमान भी थोड़े से कम हो जाएंगे जिससे ये एनर्जी लूज करेगा। और जब ये लैंडफॉल करेगा हो सकता है ये बांग्लादेश के आसपास लैंडफॉल कर जाए या गंगे पश्चिम बंगाल के आसपास और एज ए डिप्रेशन करेगा तो कोई खतरा खास नहीं है। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और वो एक तरह से जो भी ठंडा शावर होता है तेज ठंडा शावर होता है तो इस तरह की हवाएं चल जाती हैं। तो बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं, फिर भी अपना ध्यान रखने की जरूरत है। कोस्टल एरियाज में जो भाई बहन रह रहे हैं वो अपना ख्याल रखें। तो ये यहाँ का अपडेट था और ये इसके बाद क्या होगा कि 17 तारीख से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो गंगे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश और ये जो उत्तर पूर्वी राज्य 17 और 18 तारीख को यहाँ पर जो रेन एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये इसका अपडेट रहा। और अगर आप देखेंगे इस पिक्चर में तो आप काफी पीछे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको दिखाई दे रहा है जैसे मेडिटेरेनियन सी से जो बादल उठते हैं वो आपको मालूम है कि पश्चिम से पूरब की तरफ इस तरह से आते हैं, यहाँ से इस तरह से यहाँ पे WD इस तरह से आगे आता है। तो ये जो WD है ये अभी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर आएगा क्योंकि ये इसका जो ट्रैक है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा यानी चाइना की तरफ जा सकता है। तो इसका असर जो है भारत के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो कम से कम 5-7 दिनों तक हमें कोई ऐसी वेदर एक्टिविटी पहाड़ों पर दिखाई नहीं दे रही है। तो पहाड़ों का मौसम अभी शुष्क रहेगा
और ठंडक बढ़ी रहेगी, रात में काफी ज्यादा सर्दी है, दिन धूप में है, थोड़ा सा सुहावना है और कंफर्टेबल वेदर दिन में है, यानी ठंडा है लेकिन कंफर्टेबल है। और उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये जो भी इलाके हैं इन सारे इलाकों में भी हमें कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहने वाले हैं, कोई मौसमी गतिविधि यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देने वाली है। तो इस इलाके में क्या है कि अब आप देखिए जैसे जैसे वेदर सिस्टम ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो पूर्वी हवाएं आना शुरू हो जाएगी। तो दिल्ली NCR में कल से 16 तारीख से पूर्वी हवाएं आएंगी जो 3-4 दिनों तक चलेंगी और उनकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो पराली का धुआं पंजाब से आ रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं है इस बार, पराली काफी ज्यादा कम जलाई गई है लेकिन फिर भी अब पिछले सालों की तुलना में कम तो है लेकिन धुआं तो फिर भी आता है। तो वो जो धुआं है वो इन पूर्वी हवाओं के कारण रुक जाएगा और थोड़ी सी हवा बढ़ने से हो सकता है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार हो जाए। जो सीवियर और हजार्डस कंडीशन में वो वेरी पुअर टू पुअर में आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साफ हो जाएगी लेकिन पुअर तक भी अगर आ जाती है तो काफी हद तक थोड़ा सा राहत की बात कह सकते हैं। जब तक तेज बारिश नहीं होती तब तक पॉल्यूशन धुल नहीं पाएगा या फिर तेज हवाएं चले 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की जो हमें अगले 3-4-5 दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है, तभी जाकर के पॉल्यूशन से हमें राहत मिलेगी। तो ये सारा इलाके के बारे में हमने बात की। बिहार, झारखंड, ये जो इलाके हैं पूरी तरह शुष्क रहेंगे लेकिन बिहार और झारखंड के पूर्वी जिलों में बादल छा सकते हैं और झारखंड के दक्षिण पूर्वी इलाकों में यानी कि जमशेदपुर, चाईबासा, सिंहभूम, इन सारे इलाकों में लाइट रेन हो सकती है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी यहाँ पर होगी। ये जो हवा है अभी देखिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा और राजस्थान और गुजरात, यहाँ पर अभी भी जो पश्चिम उत्तर पश्चिमी और उत्तरी हवाएं चल रही हैं तो यहाँ पर दिन के तापमान थोड़े गिरे हैं। दिल्ली में भी जो टेम्परेचर है 10.9 डिग्री तक आ गया, यानी काफी नीचे आ गया। उसी तरह से 10-11-12 के बीच में कई इलाकों में तापमान है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी सामान्य से नीचे बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के सर्दी का शुरुआत हो गई है, सुबह और रात की सर्दी शुरू हो गई है और लेकिन अब जो कड़ाके की सर्दी है उसका इंतजार है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, हैवी स्नोफॉल देगा तब जाकर होगा, तो वो मंथ के एंड में ही आपको कड़ाके की सर्दी दिखाई देने वाली है। तो मध्य प्रदेश का पूरा और छत्तीसगढ़ का इलाका शुष्क रहेगा। तेलंगाना में भी बादल छा सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। कर्नाटका के भी ज्यादातर इलाके शुष्क ही रहने वाले हैं, कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। केरल में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है, बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं है क्योंकि वेदर सिस्टम जब ऊपर चला जाता है, जब बंगाल की खाड़ी में कोई भी यानी कि वेदर सिस्टम जब बन जाता है इस जगह पर, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर बना, तो हमारे आप देखिए इसी के आसपास कॉन्सेंट्रेट हो रही है और यहाँ पर इस जगह पर मॉइस्चर ज्यादा नहीं। तो जो पश्चिमी तट है ये एक तरह से शुष्क हो जाएगा और उसी तरह लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियां नहीं रहेंगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो तेज बारिश हो रही थी, वेदर सिस्टम ऊपर जाने के कारण यहाँ पर भी अब बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी आने की संभावना, लाइट रेन रहेगी, एक दो मॉडरेट रेन रह सकती है लेकिन जो खतरा है वो उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु में 24 घंटे के बाद कम हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी और बांग्लादेश के दक्षिण तटों पर भी भारी बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। ये त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम में भारी बारिश भी कुछ इलाकों में हो सकती है 17 और 18 तारीख को। आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। क्लाइमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।